नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। संगरूर के धूरी में पत्नी के साथ अवैध संबंधों के शक में स्कॉर्पियो गाड़ी सवार ने बाइक सवारों को रौंदा, एक की मौत, एक गंभीर घायल। फिरोजपुर की काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने 4 नशा तस्करों को किया काबू, 70 किलो हेरोइन, 3 पिस्तौल किए बरामद। संगरूर में गली में बच्चा घुमाने निकली महिला की स्नेचर ने चेन लूटने की कोशिश, महिला की सतर्कता से हुआ बचाव। और अब हलचल विस्तार से। संगरूर के धूरी में पत्नी के साथ अवैध संबंधों के संदेह के चलते स्कॉर्पियो गाड़ी सवार ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिस पर शक था वह घायल हो गया और उसके साथ बैठे चाचा की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक संगरूर के राजेंद्रापुरी गांव का रहने वाला कुलदीप सिंह अपने चाचा के साथ बाइक पर सवार होकर अपने घर आए किसी रिश्तेदार के लिए ठेके से शराब लेकर घर वापस आ रहा था। तभी मलेरकोटला रोड पर KRBL फैक्ट्री के नज़दीक एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिस कारण कुलदीप सिंह दूर जा गिरा, जबकि उसके साथ बैठा चाचा स्कॉर्पियो की चपेट में आ गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। कुलदीप सिंह को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, तो वहीं पीड़ित के बयान के आधार पर स्कॉर्पियो सवार उसी के गांव के रहने वाले जगजीत सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। असी रिश्तेदार आए सी जी, मैं ते मेरा चाचा जी, वो ठेके ते गए बोतल लैन, बोतल लैके असी तुरे हाँ उतों। मैं दूसरी साइड रोड से गड्डी काले रंग की स्कॉर्पियो खड़ी सी, उत्थे वो साढ़े पिछे लगी है, कुछ दूरी से जाके उन्होंने सानू बहुत ही जब भैड़ी टक्कर मारी, तो चाचा जी वो लपेट चा के मैं थोड़ा जहा दूरी से डिग गया जी। चाचा जी की मौके की डैथ हो गई सी। धमकियाँ जी गांधी स्नेह जिमें भेजते कि किसी को कुछ कहते हैं व्डा काम करा, तो उस हिसाब ना ही उन्होंने दोनों मारन के लिए वो कर जी मिथ के लगभग 8 बजे का टाइम से जी। सरकार तो मांग कर दें जी, कतल किया गया चाचा जी का, उस तो सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। ये जी सानू 3 तरीक की मॉर्निंग नू इंसीडेंट रिपोर्ट होया कि बीती रात नू एक मोटरसाइकल सवारा नू एक ब्लैक कलर स्कॉर्पियो ने हिट किया नेड़े KRBL फैक्ट्री। ठीक है, जो पता लगा कि जो मोटरसाइकिल सवार सी वो कुलदीप सिंह पुत्र बलवीर सिंह वासी राजेंद्रापुरी, उसका चाचा बलदेव सिंह जो राजेंद्रापुरी का ही रहने वाला सी, उन्होंने हिट किया गया। जो बलदेव सिंह की मौके पर ही मौत हो गई सी, जो कुलदीप सिंह दाखिल हस्पताल करवाया गया सी। ठीक है, जो साड़ी मुढ़ली पड़ताल ते तफ्तीश तो यह सामने आया कि जो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो सी उसका ड्राइवर भी उन्होंने पिंड का ही जगसीर सिंह पुत्र केसर सिंह वासी राजेंद्रापुरी सी। ठीक है, जो ड्राइवर नूं इह शक सी कि कुलदीप सिंह दे उसकी वाइफ नाल रिलेशनज ने, ठीक है, उस रंजिश के तहत उसने मार देने की नीयत नाल उन्होंने मोटरसाइकिल नूं हिट किया, जो हिट करन नाल बलदेव सिंह की मौके पर मौत हो गई, तो कुलदीप सिंह जो जेरे इलाज से। पंजाब सरकार और DGP पंजाब पुलिस की ओर से नशों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत फिरोजपुर के काउंटर इंटेलिजेंस की टीम को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब हेरोइन की बड़ी खेप सहित 4 नशा तस्करों को काबू किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए AIG काउंटर इंटेलिजेंस लखबीर सिंह ने बताया कि वर्ष 2023 की ये सबसे बड़ी हेरोइन की खेप बरामद की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर काउंटर इंटेलिजेंस फिरोजपुर ने 4 नशा तस्करों को काबू कर कुल 70 किलो हेरोइन और 3 पिस्तौल बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि पकड़ी गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 385 करोड़ रुपए के करीब बनती है। फिलहाल सभी नशा तस्करों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई है, जिससे और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। अकॉर्डिंगली असं एक्ट अपॉन करते हैं, एक दो बंद ने कबू किया जे, जिन्हों एक बंद मुहारपुरा फाजिलका तो दूजा बारे के फिरोजपुर का रहने वाला, उन्होंने को कल साढ़े पार्टी वालों साढ़े वालों असी 40 किलो हैरन
ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 9mm ਅਤੇ 1 30 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ 115 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੌਂਦ ਹੈਗੇ ਲਾਈਵ ਬੈਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ? ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਪੁੱਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ 36 ਕਿਲੋ ਹੈਰਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 2 ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ, ਜਗਦੀਪ ਅਤੇ 1 ਜਸਪਿੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 36 ਕਿਲੋ ਹੈਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਮੇ ਲੂਟ ਪਾਟ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜਤੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨੋਂ ਮੇ ਹੀ 2 ਦਰਜਨ ਕੇ ਕਰੀਬ ਚੋਰੀ ਕੀ ਘਟਨਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲਾਲ ਕੋਠੀ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰੋ ਨੇ 1,70,000 ਰੁਪਏ ਲੂਟ ਲੀਏ ਥੇ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਅਬ ਲੁਟੇਰੋ ਦੁਆਰਾ ਗਲੀ ਮੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਘੁਮਾਨੇ ਨਿਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕੀ ਗਲੇ ਸੇ ਚੇਨ ਛੀਨਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਗਈ। ਵਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਗਲੀ ਮੇ ਲਗੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਮੇ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਮੇ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਗਲੀ ਮੇ ਘੁਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਬ ਵਹ ਪਹਿਲੇ ਮੋੜ ਸੇ ਪੀਛੇ ਮੁੜਤੀ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੇ ਪੀਛੇ ਕੁਛ ਲੋਗ ਲਗ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕੋ ਖਤਰੇ ਕੀ ਭਨਕ ਲਗ ਜਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਗਲੀ ਮੇ ਚਲੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੇ ਪੀਛੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਤਾ ਹੁਆ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਬ ਮਹਿਲਾ ਕੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੋ ਵਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਗੋਦ ਮੇ ਉਠਾ ਲੈਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਬ ਪੀਛਾ ਕਰ ਰਹਾ ਲੜਕਾ ਉਸਕੇ ਗਲੇ ਮੇ ਸੇ ਸੋਨੇ ਕੀ ਚੇਨ ਝਪਟਨੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਤੋ ਵਹ ਮੁੜ ਜਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਵਹ ਚੇਨ ਕੋ ਬਚਾ ਲੇਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਟੇਰਾ ਵਹਾਂ ਸੇ ਭਾਗ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਮੇ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਜਸਵੀਰ ਮਾਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਲੀ 'ਚ ਮੁੜ ਗਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਚੁਰਾਹਾ ਹੈ ਨਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਮੋਹਨ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਬਾਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਮੋੜ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਮਗਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਾਂਟੇ ਖਾ ਲਏਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਤੁਰ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਇਹ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਫਟਾਫਟ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਗੋਦੀ ਲਾਇਆ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਲਈ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਫੇਸ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਐਕਟਿਵਾ ਖੜ੍ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ 8:20 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਕਲੋਜ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕੋਠੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲਾਲ ਕੋਠੀ ਦੇ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਰਾੜ ਦਿਖਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਰਾੜ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 1,70,000 ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ? ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल अपनी आने वाली फिल्म गदर 2 की प्रमोशन के लिए वाघा बॉर्डर पर पहुंचे। इस दौरान सनी देओल और अमीषा पटेल गदर एक प्रेम कथा की वेशभूषा में नजर आई। रिट्रीट सेरेमनी देखने पहुंचे पर्यटकों ने तालियां बजाकर उनका भव्य स्वागत किया और तारा सिंह व सकीना के नारे लगाए। इस मौके पर गायक उदित नारायण भी मौजूद रहे, जिन्होंने मैं निकला गड्डी लेकर गीत गाया। इस मौके पर अमीषा पटेल ने कहा कि सकीना बानो पहले पाकिस्तानी थी, अब हिंदुस्तान की है और तारा सिंह के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि जो प्यार गदर एक प्रेम कथा को देशवासियों ने दिया था, उससे अधिक प्यार वे गदर 2 को दें। इससे पहले सुबह
सनी देओल श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे थे और उसके बाद सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेका। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सरकार की तरफ से चलाई गई मुहिम के तहत रेलवे के नवीनीकरण को लेकर फिरोजपुर छावनी के रेलवे स्टेशन पर एक समागम का आयोजन किया गया, जिसमें फिरोजपुर के कई गणमान्य लोग और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि देश के 508 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है। फिरोजपुर मंडल के अंतर्गत 14 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्टेशनों के ऊपर लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता हीरा सोडी और कैंट बोर्ड के प्रधान योगेश गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया, तो वहीं इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए थे। अंत में रेल विभाग की तरफ से आए हुए सभी गणमान्य लोगों का आभार भी व्यक्त किया गया। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। फिरोजपुर बहुत अनगौलिया किया गया पिछलियां सरकारों के विच, और फिरोजपुर की जिहड़ी अज हालत आ, फिरोजपुर एक पछड़िया होया हलका, एक पछड़िया होया जिला बजदा है, उसका कारण यह सी कि पिछलियां सरकारां ने और इतों के लीडर ने इतों ही काम नहीं किया। सो अज बड़ी खुशी हुई कि अज फिरोजपुर का नाम इस योजना के आया। मैं समझता कि फिरोजपुर रेल मंडल फिरोजपुर का एक निखड़वा अंग है। रेलवे फिरोजपुर रेलवे नाम भी जाना जाता है, क्योंकि सब तो वड्डी डिवीजन किसी जमाने के लिए फिरोजपुर सी, टुटदी टुटदी ये छोटी रह गई। देश की आजादी ने वंड ने बहुत वड्डा नुकसान फिरोजपुर का किया, नहीं तो अज फिरोजपुर मैं समझता कि गड़गांव तो घट या होर वधिया शहर तो घट नहीं सी होना।
ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 28 ਕਰੋੜ 27 ਕਰੋੜ ਕੁਛ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜੀ ਦਾ, ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति एवं युवा भारत जालंधर की ओर से पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री देवी तला मंदिर में जड़ी बूटी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से गौ सेवा मिशन के अध्यक्ष पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज, विधायक रमन अरोड़ा, श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस अवसर पर गिलोय, तुलसी, एलोवेरा, अश्वगंधा, आंवला एवं नीम के लगभग 1111 औषधीय पौधों का वितरण किया गया। पूज्य स्वामी जी ने बताया कि वर्तमान में आयुर्वेद को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित स्थापित करने का गौरव पूज्य आचार्य जी को जाता है, तथा विधायक रमन अरोड़ा ने बताया कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा हेतु अधिक से अधिक औषधीय पौधे लगाने चाहिए तथा वृक्षारोपण पर प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। जिला प्रभारी पतंजलि योग समिति अजय मल्होत्रा द्वारा आए हुए सभी गणमान्य संगठनों के पदाधिकारी, योग शिक्षक एवं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया गया। इस अवसर पर राज्य कार्यकारिणी सदस्य संजीव शर्मा, जिला प्रभारी भारत स्वाभिमान सुधीर सक्सेना, जिला प्रभारी पतंजलि योग समिति अजय मल्होत्रा, जिला प्रभारी युवा भारत अमरजीत सिंह बिट्टू, सतविंदर सिंह कुंदी, सर्वेश चड्डा, दास महेश, रमेश जुग, सुरेंद्र सिंह, सुभाष बांसल, जथेदार उजागर सिंह, भूषण कोहली, गुलशन सुनेजा, दीपक खोसला, देवकालिया, सपना जैन, सरबजीत कौर, वरुण जैन आदि उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनोचिया की रिपोर्ट। हमारे उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध तीर्थ देवी तला मंदिर में इस समय सर्वदेवी गुरु माता की सेवा रक्षा, देश व विश्व के मंगल हेतु आसुरी तामसी शक्तियों का नाश हो, आप में सद्भाव है, मानक नाम चढ़ती कला तेरे भारण सत्य का भला, सर्वे भूमि सुखी सब निरोगी हों, सभी सुखी हों, इसी पूर्तल ऋषि को लेकर के परम दयालु गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी का 40 दिवसीय जयंती महामहोत्सव भगवत रात्मा महायुद्ध मनाया जा रहा है। शुभ संकल्प का बहुत बड़ा फल होता है। पूर्व समय में हमारे ऋषि मुनि गुरु ने गौ माता सनातन धर्म संस्कृति मानवता इंसानियत की रक्षा भगवत आराधना के बल से करें, देव और शिवा मुझे शुभ कदम से मारते हैं। दर्शन पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, छत्रपति शिवाजी, संत गुरु रामदास जी, अनेकों अनेक ऐसे उदाहरण हैं माँ भगवती जी गंगा भगवान के नाम के बल से पूर्व समय में भी हमारे ने अपने कार्यों को सिद्ध किया है, भगवत की रक्षा करी है। वर्तमान समय में इसी उद्देश्य को लेकर के देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के सभी माँ के लाल सेवकों के द्वारा सभी शहर के प्रतिनिधि, सभी शहर की सेवा
राजनीतिक पक्ष को लेकर के, सामाजिक पक्ष को लेकर के, सभी जितने भी महानगर के वासीजन हैं सबका इस राजनीतिक में पूर्ण सहयोग है। हमारे इस शहर की शोभा समय समय पर धार्मिक आयोजनों के द्वारा माँ भगवती गंगा को मंदिर की सेवा करने वाले श्री रमन अरोड़ा जी और भी जितने हमारे शहर के वासीजन हैं की कृपा से ही ऐसे हो रही हैं। माँ छोटू मानी की माँ दी मिठी गोद में बैठे सारे ही मेरे वीरों, खास करके स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज जिन्हों की अध्यक्षता दे 40 दिवसीय श्री तुलसीदास जी महाराज जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा, जिदे लगातार 40 दिन सवेरे शाम श्री राम नाम का जाप हो रहा। सब तो पहला तो महाराज जी के चरणों के मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता कि जिन्होंने जलंधर की नगरी में पवित्र करने वास्ते अपने जो चरण जलंधर के 40 दिन रखने उन्होंने वास्ते मैं बहुत बहुत इन्हों का धन्यवाद करता। और दूसरा मेरे पिता तुल्य श्री राजेश वीर जी जिन्हों के आशीर्वाद हेठ मैं अज इस जगह के उत्ते पहुंचा, इन्हों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता इन्होंने मुझे बुलाया। और श्री बालकृष्ण जी महाराज योग गुरु जिन्हों का अच्छे जन्म उत्सव के उपलक्ष्य के पौधारोहण कर रहे हैं, उन्होंने भी मैं अपने वालों बहुत बहुत बधाई दी। सारिया गलों का एको सार है जी, कृष्ण जी महाराज जी ने जो जलंधर के जो जलंधर की नगरी के जो इतिहास रच रहे हैं अतुल्य, इन्हों दे देनदारी जी है जो इन्हों की देन है वो पूरा जलंधर नहीं दे सकता। हमारे विधायक साहब श्री रमन अरोड़ा जी का, और मैं आभार कर प्रकट करना चाहूँगा हमारे बीच में फगवाड़ा से आए हुए हमारे पतंजलि परिवार के श्री दीपक खोसला जी, कालिया जी और भी उनके जितने भी साथी बहने भाई आए हैं उनका भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक समिति की ओर से गोलबाग स्थित शहीद के स्मारक में समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा ने की। इस प्रतियोगिता में जिले के 15 स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में ADCP महताब सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर श्री दुर्गियाना कमेटी की अध्यक्ष प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला ने विद्यार्थियों को शहीद मदनलाल ढींगरा के जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस समूह गान प्रतियोगिता में DAV हाथी गेट प्रथम, जगत ज्योति रानिकाबाग स्कूल द्वितीय एवं विवेक पब्लिक स्कूल एयरपोर्ट रोड तृतीय स्थान पर रहा। विजेताओं को समिति की ओर से पुरस्कृत भी किया गया। इस कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका में सरबजोत कौर और स्वाति शर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर रानी जेटली, प्रिंसिपल प्रोमिला, प्रिंसिपल आम्रपाली, पूर्व प्रिंसिपल सविता सचदेवा, विपिन कुमार, प्रिंसिपल रजनी, पवन कुंद्रा, राजेश बंटू, चंचल, माला चावला, नीलम शर्मा, प्रोफेसर नीलम प्रभा, जसबीर कौर भी उपस्थित रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 14 अगस्त को यहाँ जैसे जलियांवाले बाग करते हैं पंचरंग वाले, ऑन दी स्पॉट पेंटिंग हो रही है जिसमें ढींगरा, उधम सिंह और वीर सावरकर के चित्र रखे गए हैं। बच्चे जो भी चित्र चाहें बनाएं। और 17 अगस्त को, क्योंकि बलिदान दिन है, 17 अगस्त को बलिदान दिन है, इसलिए वह दिन है जिस दिन लंदन की पैटर्न मिले जेल पर अपने ढींगरा को फांसी पर चढ़ाया गया था। ये स्मारक उनकी याद में बना है और 17 अगस्त को उनके जीवन के बहुत से चरित्र की कहानियां हमारे म्यूजियम में भी लग जाएंगी। राज्यपाल जी आ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं इन दिनों जो हमारे शहीद हुए हैं कोई कश्मीर में या मणिपुर में, उन सैनिकों के परिवारों को भी यहां बुलाया जाए। और दो व्यक्ति जिनका मैं नाम अभी नहीं बोल रही, वो हमारे समाज के लिए, अमृतसर के लिए भामा शाह है। वो हर नेक काम में, बच्चों की पढ़ाई में, दवाई में और कामों में आर्थिक मदद बहुत ज्यादा करते हैं, मदन लाल ढींगरा के कामों की भी। उनको गवर्नर साहब के द्वारा सम्मानित कराया जाएगा। साथियों से अपील की है कि रक्तदान से अच्छी श्रद्धांजलि शहीदों को कोई नहीं है। तो उस दिन ABVP भी, हिंदू कॉलेज के बच्चे, DAV कॉलेज के बच्चे, हनुमान चालीसा परिवार के बच्चे तथा ये जो बालाजी धाम अश्नील जी महाराज का है छेट्टा, उनके कार्यकर्ता आकर के रक्तदान करेंगे। शौक जवानों के कई करतब तीर तो मानोगे, यहाँ नित नित मेले भाई,
ज्योति जागृति संस्थान एवं सह आयोजक स्पार्टन स्पोर्ट्स फाइटर और रोटरी क्लब जालंधर द्वारा तनाव प्रबंधन पर जालंधर के एक निजी होटल में भव्य स्तर पर आओ दें स्ट्रेस करें के नाम से एक ड्राइव लॉन्च की गई। इस अभियान की जानकारी देते हुए स्वामी विश्वानंद जी ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य समाज को तनाव के प्रति जागरूक करना है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन प्रीमियर लीग के चेयरमैन और बीसीसीआई के पूर्व कैशियर अरुण सिंह धूमल, जबकि विक्टर टूल के अश्विनी कुमार विक्टर, स्पार्टन स्पोर्ट्स फाइटर के कुणाल शर्मा, इनोसेंट हार्ट ग्रुप्स के चेयरमैन अनूप बोरी, सेंट्रल अस्पताल से डॉक्टर यश शर्मा, सुपर क्रीमिका से अशोक भंडारी, सॉलिटियर से नितिन जैन और ऑस्ट्रेलिया से स्टीवन विशेष तौर पर पहुंचे। इस दौरान साध्वी कमल भारती ने उपस्थित जन समूह को तनाव के प्रति संबोधित करते हुए कहा कि तनाव अच्छा या फिर बुरा नहीं होता, ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे चुनौती के रूप में लेते हैं या प्रेरणा के रूप में। उन्होंने कहा कि परेशानी तब बढ़ती है जब हमारे अंदर नकारात्मकता बढ़ जाती है और हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है, तब ये क्रोनिक तनाव का रूप ले लेती है जो आगे चलकर कई बीमारियों का कारण बनती है। इस दौरान उन्होंने तनाव को दूर करने के बहुत से टिप्स भी दिए। इस मौके पर स्वामी सज्जनानंद ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर अरुण सिंह धूमल और सभी विशेष अतिथियों द्वारा इस अभियान के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतेंद्र की रिपोर्ट। देखिए, आलू और पानी, इन दोनों को गर्मी कहां से मिली? आलू को पानी से और पानी को किससे मिली? आग से। आफ्टर सम टाइम सर ने कहा, मैंने नहीं कहा, सर ने कहा कि आफ्टर सम टाइम आलू भी ठंडा हो जाएगा और पानी भी ठंडा हो जाएगा, सर राइट ना? ठंडा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आलू का स्वभाव गर्मी नहीं है। क्यों नहीं है? आलू का स्वभाव गर्मी नहीं है। और ऐसे ही इस बॉइल्ड वाटर का, इस पानी का स्वभाव क्या है? सर पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता, शांति, ये पानी का स्वभाव है। इसीलिए पानी भी इस गुण को जो इसने एक्वायर्ड किया है उसमें ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। सर यू मे प्लीज टेक योर सीट, थैंक यू सो मच, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर, प्लीज टेक योर सीट। ओके, थैंक यू। इंसान का जो व्यक्तित्व है, उसका इंट्रिंसिक गुण है, वो पीस है, ब्लिस है, आनंद है, आनंद का स्रोत है व्यक्ति। लेकिन हमने, वो कहते ना, सारा दिन बाहर 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 बाहर, हम कभी अंदर जाते ही नहीं है, हम अपने उस बिहेवियर में रीएस्टैब्लिश होते ही नहीं है, एंड दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम विद दिस। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ कैन वी रीएस्टैब्लिश इन आवर इंट्रिंसिक बिहेवियर? डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, देयर इज वन एंड ओनली वन टेक्निक, एंड दैट इज द सुप्रीम साइंस ऑफ ब्रह्म ज्ञान, व्हिच कैन रीएस्टैब्लिश यू इन योर इंट्रिंसिक क्वालिटी, in your intrinsic behavior. Because these tips, which you can find on Google, which you can find on YouTube, can only teach you to manage stress. It only helps you to manage stress, but the eternal science of Brahma Gyan is the ultimate method that helps you to not only manage, but His Holiness say, with this technique, you can eradicate, you can totally eradicate stress from your life. बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने स्वागत किया, सम्मान दिया उसके लिए। और इस कार्यक्रम में आने का उद्देश्य, मैं आईपीएल चेयरमैन हूँ या बीसीसीआई से जुड़ा हूँ, ये नहीं है। पिछले 21 सालों से मैं जालंधर में स्कूल चलाता हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और ये जो विषय है ये पूरे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि मैं आज यहाँ पर ज्ञान बांटने नहीं आया हूँ, ज्ञान लेने आया हूँ और आप सबसे सीख रहे हैं। स्वामी विश्वनाथ जी ने ब्रह्म ज्ञान के बारे में बात की, डॉक्टर कमल भारती जी ने बड़े विस्तार पूर्वक चर्चा की गुड स्ट्रेस बैड स्ट्रेस की, डॉक्टर साहब ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, मेरे साथ डॉक्टर अनूप बोरी बैठे हुए थे, आयशनी जी बैठे हुए थे, उनसे भी चर्चा हो रही थी। मूलतः बात इस बात से शुरू हुई कि जो भी बच्चा यहाँ पर होता है वही एक
प्राणी है जिसको कोई स्ट्रेस नहीं होती, और वो बच्चा फिर हमारे जैसों के पास आता है स्कूल में, 2.5 साल से डॉक्टर साहब भी चला रहे हैं, मैं भी चला रहा हूँ, जैसे जैसे वो आगे चलता जाता है उसकी जिंदगी में स्ट्रेस बढ़ती जाती है। इसका क्या कारण? मैं मानता हूँ उसको ट्रेनिंग तो ऐसी होनी चाहिए कि वो इन सब चीज़ों से सीख सके और उन चुनौतियों का सामना कर सके, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये होता नहीं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उतना उतना प्रेशर बनता है, और जिस सक्सेस की बात की, नौकरी की बात की, चाहे स्ट्रेस लीजिए, एंजाइटी लीजिए, डिप्रेशन लीजिए, जो समाज में सबसे ऊपर तबके में इकोनॉमिकली होगा उसको सबसे ज़्यादा होगा, जो सबसे नीचे होगा उसको सबसे कम। देखिए आज का कार्यक्रम जैसे आप सब जानते हैं कि आउट डिस्ट्रेस करें, आज का बर्निंग इशू है आजकल का जो युवा पीढ़ी के साथ हम सभी के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर जो चुनौतियां आ रही हैं उसको लेकर एक बड़ी अच्छी ड्राइव दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने शुरू की है, और मैं तो आभार प्रकट करने आया हूँ कि इस इशू की इम्पोर्टेंस को जानते हुए उन्होंने ड्राइव शुरू की है जिससे विभिन्न संस्थानों को जोड़ेंगे, और न केवल जालंधर तक, अन्य शहरों में और अन्य देश के हिस्सों में भी इसको लेके जाएंगे, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जिसके संस्थापक व संचालक दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी हैं, उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं की असीम अनुकंपा से आज जालंधर में आओ डी स्ट्रेस करें एक ड्राइव कैंपेन प्रारंभ की गई है। आज उसका एक इनॉग्रेशन सेरेमनी था, और इसके बाद ये जो ड्राइव है वो विभिन्न शहरों में और विभिन्न इंस्टीट्यूट्स में, न केवल जालंधर और अन्य शहरों में भी जाएगी। और संस्थान का ये प्रयास रहता है, क्योंकि सोशल, स्पिरिचुअल और कल्चरल तीनों एस्पेक्ट पे संस्थान काम करती है, तो अध्यात्म के साथ साथ इसका निवारण भी जो होगा चिंता का, तनाव का, अवसाद का, वो दिया जाएगा। ये स्ट्रेस का एक कोर बिंदु है। मोगा के वार्ड नंबर 13 स्थित टंकी वाली पार्क में नीला ग्रुप की ओर से तीज का त्यौहार मनाया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए वार्ड निवासियों ने बताया कि नीला ग्रुप की तरफ से तीज का त्यौहार मनाया जा रहा है, जो कि एक अच्छा कदम है। इस दौरान सभी निवासियों ने जमकर मस्ती की व विभिन्न फन खेलों में भाग लेकर खूब लुत्फ उठाया। मोगा से हलचल के लिए निशी मनचंदा की रिपोर्ट। मैं कहना चाहनी हां भी जेड़ा तीज का त्यौहार है ये सारा कुड़ियां का त्यौहार है। मैं चाहनी हां भी जेड़ा पंजाबी सभ्याचार नु अगे तक वधाया जावे, क्योंकि पंजाबी सभ्याचार अजकल पिछे रह रहे। क्यों? क्योंकि जेड़े बच्चे आ मोबाइलां च बिजी रहंदे आ, वो सिर्फ की है जो देखते मोबाइलां च ही देखते हैं। जेड़ी ऑल लेडीज है आप कह सकते हैं भी अपने चाह पूरे करन लई क्लब विच जांदियां, जबकि आप की है सोसाइटी दे विच जे आप इकट्ठे रहने आ, आप सारे नु इकट्ठे हो के पंजाबी सभ्याचार नु जागरूक करना चाहिए ते आने वाली पीढ़ी नु इस बारे दसना चाहिए। नारी चेतना वेलफेयर सोसाइटी फ्रेंड्स कॉलोनी जालंधर की तरफ से तीज सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एडीसी शिखा भगत ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने तीज पर आधारित कार्यक्रम पेश कर भारतीय संस्कृति की झलक पेश की। इस दौरान सोसाइटी की चेयरपर्सन कुसुम शर्मा और नारी चेतना वेलफेयर सोसाइटी की समूह सदस्याओं ने इस तीज के कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए फन गेम्स, गिद्धा, मेहंदी, तंबोला इत्यादि खेलों में भाग लेकर खूब मनोरंजन किया।
जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनोजिया के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। जी अज का यह प्रोग्राम फ्रेंड्स कलोनी नारी चेतना वैलफेयर सुसायटी रजिस्टर्ड वालों करवाया जा रहा है। तो जिमें असं जानते हैं कि पंजाब का बड़ा अमीर कल्चर है कि सौन दियाँ तियाँ मना का रिवाज, पर हुण हौली हौली समय नाल ये घटता जा रहा है। असी उसनू पुनर्जीवित करन वास्ते इस कलोनी च जतन किया। पिछले 3 सालों तो लगातार असी तियाँ मना रहे हैं, तो ये औरतां सारे कलोनी दियाँ इकट्ठिया होकर गाउंदियां नचदियां टपदियां रल के असी इत्थे खीर पूड़े का पकवान जड़ा वह भी खाने हैं। तो असी इस तरह नाल नारी चेतना वैलफेयर सुसायटी जिते वातावरण संभाल की गल कर रही है, जिते वह हाड़ पीड़ितों की मदद वास्ते अगे आती है, उसके नाल ही कल्चर नू सांभण विच भी बड़ा योगदान पा रहे हैं। चेयरमैन ऑफ नारी चेतना वैलफेयर सुसायटी, अज असी तियां का तीसरा त्यौहार मना जा रहे हैं। असी पहला भी 2 बारी मनाया, साडा मेन मकसद आ लोगों अपने नाल सभ्याचार तो जाणू कराना, क्योंकि पंजाबी सभ्याचार तो बहुत ही वडमुला लोगों का योगदान आ। मैं अज तो अगर 50 साल पिछे जावा तो अज का तो उस टाइम का जमीन आसमान का फर्क आ। जिहड़ियां लेडीज़ सी उन्होंने पहले इन्नी खुल नहीं हुंदी सीगी कि लेडीज़ खुल के नचण गाण, उन्होंने तो एक हड़दंग करन दी भी इजाजत नहीं सी कोई दिंदा। तो हुण दे समय दे विच लड़कियां खुल के नच सकदियां हन। मैनू बहुत ही माण आ जदों लेडीज़ आके कहिंदियां ने कि साडियां बेटियां नू पार्टिसिपेट कराओ और साडे बच्चियां नू पार्टिसिपेट कराओ, क्योंकि यह थोड़ी बहुत गल नहीं, मैनू इन्हां लेडीज़ ते बहुत ही माण आ। और अज शिखा भगत जी जिहड़े कमिश्नर ने वह आ रहे ने, वह सर्टिफिकेट देणगे साडे बच्चियां नू। पंजाब त्योहारों और मेलों की धरती है, यहाँ पर हर प्रकार का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी के तहत सावन के महीने में तीज का त्यौहार पूरे पंजाब में बड़े ही हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी के तहत अमृतसर की होली सिटी के निवासियों की ओर से तीज का त्यौहार रंजीत एवेन्यू के एक निजी होटल में मनाया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर पंजाबी सभ्याचार को दर्शाती बोलियां और गीत गाकर इस त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाया। इस मौके पर महिलाओं ने कहा कि हमारे सभ्याचार में तीज का त्यौहार एक अटूट अंग है, इसलिए हम सब ने मिलकर ये त्यौहार मनाया है। आजकल के समय में नौजवान पीढ़ी पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में आती जा रही है, जिसके चलते तीज जैसे त्यौहार का आयोजन एक अच्छा कदम माना जा सकता है। आजकल के तनाव भरे जीवन में ऐसे कार्यक्रमों का होना बेहद जरूरी है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं रविंदर कौर, होली सिटी अमृतसर तो। असी आज तियां दा प्रोग्राम करदे पए आ, बड़ियां रौनकां लगियां ने और इस चीज़ की बड़ी खुशी हुंदी है जदों साडे प्रोग्राम दे विच हर उम्र दियां मुटियारां कह सकदे आ, हर उम्र दी औरतां शामिल होईयां ने। साडे को वड्डी उम्र दियां औरतां ने, बच्चे भी आए ने, टप्पे गा रहे ने, बोलियां पै रहियां ने और बहुत ही आनंद आंदा पिया है। और उम्मीद करदी हाँ बाकी सारे बहुत मज़ा करते पए ने और इस साडे इस प्रोग्राम नू 4 चंद लाए ने जी साडे पीके इंटरप्राइजेज़ ते दीप्ती मैम ने, जिन्हां ने बहुत ही सोहनी इहदी साडा हॉल सजाया, साडा प्रोग्राम सजाया है और सानू बड़ा अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में निकाली जाने वाली प्रभात फेरियों की श्रृंखला के अंतर्गत जालंधर के हर गोविंद नगर रेरू से प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि इलाके की परिक्रमा करते हुए आरती के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर इलाकावासियों ने पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया और अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट।
शराब का ज्ञान मान सुन ले मानुष से पशुआ करें द्रव्य गांठ धन भी जाए और फिर नरकों में भी जाना पड़े अभिलक्ष भी हो परिवार में भी सुख शांति ना हो क्योंकि राक्षसी खान पान है पर जहाँ वो है तो वहाँ रावण की तरह सोने की लंका रखो ना हो जाए और उससे सुख शांति नहीं रहती सुख शांति तो रहती है जहाँ साधु की खाना पीना साधु की भोजन है और भगवान की माँ की भक्ति है समाज देश राष्ट्र के प्रति प्रेम है गौ माता के प्रति प्रेम है वहाँ सुख शांति महापुरुष ने कहा है चार वेद शेष शास्त्र में बात लिखी है बोले सुख दिए सुख होत है दुख दिए इसलिए व्यवसाय भी करें शादी विवाह और त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए चकदेव जालंधर अपने उत्सव संस्करण राखी तीज बाजार के साथ वापस आ गया है। होटल रीजेंट पार्क में इस दो दिवसीय शॉपिंग एग्जीबिशन की ग्रैंड लॉन्चिंग हुई। एग्जीबिशन के उद्घाटनी समारोह में पार्षद अरुणा अरोड़ा समेत शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। उद्घाटन के उपरांत जालंधर वासियों ने एग्जीबिशन में दिल्ली मुंबई चंडीगढ़ और लुधियाना आदि जगहों के प्रसिद्ध डिजाइनर फैशन कपड़े आभूषण हर्बल सौंदर्य प्रसंधान होम डेकोर और अन्य अनूठे उत्पादों की जमकर खरीदारी की। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन
everybody, this is Saisha here, and we have organized a festive edit for you all today at Hotel Regent Park. So the entire day has been spent. So I request every Jalandharite to please drop in tomorrow. It's the last day at Regent Park. And for the exhibition, I would just like to say one thing, that we have really put in our hearts out for this edit, definitely. सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम दोपहर 4 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड के पाठ किए गए, जिसके पश्चात सायं 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस कथा के दौरान श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल और एक नूर वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान प्रदीप खुल्लर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरे बर्बाद रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरे बर्बाद रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के सब दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के बगदाद रे तेरी अच्छी बनेगी। अनुराग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। हमारे देश की जो परिभाषा थी वो ये थी, चंदन है इस देश की माटी। इस देश की माटी को चंदन कहा गया, चंदन है इस देश की माटी, तब भूमि हर ग्राम है। कितने सुंदर उस कवि ने साक्षात ये शब्द बोले हैं, इस पूरी भारत की धरती को चंदन कहा गया। क्यों? अरे अगर भारत का नक्शा निकाल लिया जाए, ये जो भारत आप देख रही है ना, इसके साथ पाकिस्तान, ईरान, इराक, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल, ये सब हमारे थे। 52 शक्तिपीठ जो कुछ विदेशों में चले गए, हमारे से अलग हो गए। ये सारी धरती इसलिए चंदन थी क्योंकि गांव गांव में, हर शहर में एक वो परमात्मा, वो देवी देवता, इस जैसे महान संत ये विराजमान बैठे थे।